ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। छोटे से बजट की इस फिल्म की सफलता का क्रेडिट इसकी टीम के डेडिकेशन को जाता है। खासकर फिल्म के लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म के लिए ना केवल जी तोड़ मेहनत की है, बल्कि इसके सीन फिल्माते समय कुछ परंपराओं का पालन भी किया है। मसलन उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले 20-30 दिन के लिए नॉनवेज खाना छोड़ दिया था और वे पूरी तरह शाकाहारी बन गए थे। ऋषभ शेट्टी ने एक हालिया बातचीत में इस बात का खुलासा किया है। ऋषभ शेट्टी ने कहा कि एक्टिंग पार्ट जाहिर तौर पर मुश्किल भरा था, एक्सप्रेशन की वजह से नहीं बल्कि एक्शन सीन्स के कारण। खासकर देवकोला सीक्वेंस के दौरान मुझे 50 से 60 किलो वजन कैरी करना होता था। मैंने इस सीक्वेंस से पहले 20 से 30 दिन के लिए नॉनवेज भी छोड़ दिया था। देवकोला अलंकार पहनने के बाद मैं नारियल पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेता था। सीक्वेंस करने से पहले और बाद में मुझे प्रसाद दिया जाता था। ऋषभ ने एक अन्य बातचीत में कहा कि फिल्म को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है उसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। ऋषभ और होमले फिल्म्स कभी भी नंबरों पर बात नहीं करता है। फिल्म से जुड़ी पवित्र भावना और ऊर्जा ने इसे ब्लॉकबस्टर बनाया है। साथ ही कर्नाटक के लोगों का इसकी सफलता में बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपने दोस्तों के बीच फिल्म का एडवर्टाइज किया और इस पर गर्व महसूस किया। विजय किंगरदूर के प्रोडक्शन हाउस होमले फिल्म के बैनर तले कांतारा का निर्माण हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट लगभग 16 करोड़ रुपए है, जबकि दुनिया भर में इसकी कमाई 250 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म साबित हुई है। लिस्ट में प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी KGF चैप्टर 2 टॉप पर है। रॉकस्टार यश स्टारर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 1250 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 1 है, जिसने लगभग 240 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ही फिल्मों का प्रोडक्शन हाउस होमले फिल्म्स के बैनर तले हुआ है। लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशंस किड्स।